वहीं नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने स्पष्ट कर दिया है कि वो इस्तीफा नहीं देंगे। ओली के प्रेस सलाहकार ने बताया है कि इस्तीफा देने के बजाय संसद में प्रोटेस्ट का सामना करेंगे। ओली के इस रुख के साफ हो गया है कि नेपाल में चल रहा राजनीतिक संकट जल्द समाप्त होने नहीं वाला है। तो वहीं इसी पर एक रिपोर्ट देखिए। नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने स्पष्ट कर दिया है कि वह इस्तीफा नहीं देंगे। ओली के प्रेस सलाहकार ने बताया कि वह इस्तीफा देने के बजाय संसद में फ्लोर टेस्ट का सामना करेंगे। ओली के इस रुख से साफ हो गया है कि नेपाल में चल रहा राजनीतिक संकट जल्द समाप्त होने वाला नहीं है। बता दें कि नेपाली सुप्रीम कोर्ट ने प्रधानमंत्री ओली को झटका देते हुए संसद की भंग की गई प्रतिनिधि सभा को बहाल करने का आदेश दिया था, जिसके बाद से ओली के इस्तीफे की मांग की जा रही है। अपने ऐतिहासिक फैसले में मुख्य न्यायाधीश चोलेंद्र शमशेर के नेतृत्व में 5 मेंबर्स की संवैधानिक पीठ ने संसद के 275 मेंबर वाले निचले हाउस को भंग करने के ओली सरकार के फैसले को असंवैधानिक करार दिया था। कोर्ट ने सरकार को अगले 13 दिनों के भीतर संसद सत्र बुलाने का भी आदेश दिया है। नेपाल में राजनीतिक संकट उस वक्त चरम पर पहुंच गया था जब राष्ट्रपति विद्या देवी भंडारी ने संसद को भंग करने की पीएम की सिफारिश को स्वीकार करते हुए नए सिरे से चुनाव करवाने का ऐलान किया था। बता दें, ओली के प्रेस सलाहकार सूरत थापा ने कहा है कि प्रधानमंत्री इस्तीफा नहीं देंगे बल्कि उच्चतम कोर्ट के फैसले पर अमल करेंगे और 2 सप्ताह में बुलाए जाने वाले संसद सत्र में हिस्सा लेंगे। थापा ने साथ ही कहा कि उच्चतम कोर्ट का फैसला विवादास्पद है, लेकिन फिर भी उसे स्वीकार कर लागू करना चाहिए। उन्होंने आगे कहा कि इसका असर भविष्य में देखने को मिलेगा, क्योंकि इस फैसले से राजनीति समस्याओं का कोई समाधान नहीं मिला है। असादी थापा ने आगे कहा कि इस चीज कोर्ट के फैसले से अस्थिरता आएगी और सत्ता की लड़ाई का मार्ग प्रशस्त करेगा। वही नेपाल के अधिकतर मीडिया घरानों ने उच्चतम कोर्ट के फैसले का स्वागत किया है। उनका कहना है कि कोर्ट ने लोकतांत्रिक मूल्य को बरकरार रखा है और संविधान की रक्षा की है। इसी बीच कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाल के उपाध्यक्ष वामदेव गौतम ने प्रधानमंत्री ओली से पद छोड़ने की अपील की है। गौतम ही अब तक ओली और उनके विरोधियों के बीच संतुलन बनाने का काम करते आ रहे थे, लेकिन अब गौतम ने कहा कि कोर्ट के फैसले ने साबित कर दिया है कि प्रधानमंत्री का कदम असंवैधानिक था, इसीलिए उन्हें तुरंत इस्तीफा देना चाहिए। स्पेशल डेस्क, आर्या न्यूज। और इसी के साथ ही फिलहाल के लिए खबरों में बस इतना ही। आप देखते रहिए आर्या न्यूज।